10 या 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 15 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद ने टाइम फ्रेम दे दिया। बोल न्यूज़ के खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में कहा कि हमने पिंडी के बाखों में 4 से 5 दिन का इंतजाम किया है। कि आज के वक्त मैं आपको वीपर दे रहा हूँ, लोगों की हमदर्दियाँ बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ, क्योंकि वो अपने मसाइल के लिए उसको निजात दहिंदा समझते हैं। तो इस नवंबर में फैसला हो जाना जी, यार हो जानी है, पार हो जानी, ज्यादा नहीं ऐसे मुमकिन है 15-20 नवंबर तक ही हो जाए। हालात के बस में नहीं है और जमीनी हकायक को लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इस्लामाबाद वाले लोग जो है वो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, वो अपना राशन डाल लें। हम पिंडी वाले और सरनोल वाले और बाराकोह वाले और टैक्से वाले तो गुजारा कर लेंगे, घर तक वाले, ये इस्लामाबाद वाले क्या करेंगे। बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। सूरत हाल बदल गई है, लोगों के बड़े किस्म की सोचें बदली हुई है, हर नौजवान बगावत पे उतरा हुआ है। ऐसे लोगों को ले आए, ये जिस टीवी पे जाते हैं लोग आपके चैनल पे आ जाते हैं। राणा सनाउल्लाह जिस चैनल पे जाता है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ लोग चैनल बदल देते हैं। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।